आमिर खान जैसा दुष्ट आत्मा, हमें आमिर खान की पद्धति और सोच को मारना है। मतलब इस्लाम को बड़ा दिखाया गया है और सनातन को कितना तुच्छ दिखाया गया है। जो मुल्ला जी होगा दाढ़ी वाला टोपी वाला वो इंटेलेक्चुअल होगा। आमिर खान की सिनेमा जो लाल सिंह चड्ढा आ रही है उसका बायकॉट करना है। देखिए आमिर खान को हम लोग पूरे हिंदू आर्मी कार्यकर्ता मिलकर जान से मार दें उससे तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि उसकी जो सोच है हमें उसको मारना है। हमें आमिर खान को नहीं मारना है, हमें आमिर खान की पद्धति और सोच को मारना है। वो कमाता भारत से है, हम भी उसका सिनेमा देखते थे, आप भी देखते थे, लेकिन काम उसने एक सरफरोश मूवी बनाई, सरफरोश में नसरुद्दीन शाह था। आप पूरी मूवी देखिएगा पूरी तरह से कैसे इस मतलब इस्लाम को बड़ा दिखाया गया है और सनातन को कितना तुच्छ दिखाया गया है। इसी तरीके से उसने पीके मूवी बनाई, देखा होगा आपने, मतलब सैकड़ों मूवी उसने बनाई हुई है। वो सिर्फ सनातन को नुकसान पहुंचाने का काम, लेकिन जहां हरी चादर चढ़ाना ही होती है वो मूवी वो लेकिन नहीं आता है। वो कभी भी अपने मोहम्मद साहब के ऊपर सिनेमा नहीं बनाता है। बात समझिएगा भाई, आप अपने आराध्य के ऊपर भी तो सिनेमा बनाओ। तुम हमारे भोले शंकर को दौड़ाते हो दिखाते हो, लेकिन जो है अपने आराध्य जो तुम्हारे जो भी हैं, मैं तो जान निश्चित तौर पे हर मूवी में एक ठाकुरी डकैत होगा, एक पंडित ही लुटेरा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और वहां मुल्ला जी जो होगा वो बड़ा बहुत इंटेलेक्चुअल होगा। जो मुल्ला जी होगा दाढ़ी वाला टोपी वाला वो इंटेलेक्चुअल होगा, वो बड़ा शांत स्वभाव का होगा। कहीं ना कहीं यही है बॉलीवुड जिहाद। बॉलीवुड जिहाद के सबसे बड़े सरगना यही हैं। सलमान खान हो, आमिर खान हो, नसीरुद्दीन शाह हो, महेश भट्ट हो। और महेश भट्ट देखिए, नाम महेश भट्ट है, वो असल में महेश खान है, मतलब खान है कोई, नाम उसने महेश भट्ट रखा हुआ है तो, लेकिन वो है तो विधर्मी। तो कुल मिला के ये है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से लाल सिंह चड्ढा की उसकी सिनेमा आ रही है उसका बायकॉट करने का आह्वान करता हूँ। अच्छा आपने सवाल पूछा, तो आप क्या चाहते हैं, हिंदू ये मूवी देखने न जाएं, आप ऐसा चाहते हैं? बिल्कुल बायकॉट करिए, जैसे आपने 3 साल से इनकी कमर तोड़ दी है, ये दाने दाने को मोहताज हैं, एक आखिरी कील ठोक दी लाल सिंह चड्ढा पे, ये भाग जाए वहां डेनमार्क जाकर रहे। कौन? आमिर खान जिन्हें भारत में डर लगता है, भारत में डर लगता है। मैं तो बताऊं इनके लिए इतनी गालियां आती हैं हमें, लेकिन चूंकि प्रोटोकॉल है और हमारे ऊपर हेट स्पीच का दाग लग जाता है, नहीं तो मैं तो जिस दिन मुझे ये कानून का और न्यायपालिका का ये सम्मान है कि हम नहीं तो इनके खिलाफ तो मेरे अंदर इतना मतलब सच्चाई भरी हुई है, अगर मैं जनता को बता दूं तो जनता जो है कहेगी बाप रे बाप। तो ये सारे के सारे विधर्मी है भाई साहब। और मैं ये समझता हूं कि कहीं ना कहीं कल आपने देखा डर हिंदुओं को जागने का, इनके अंदर विधर्मियों का डर। कल अक्षय कुमार ने एक कोई मूवी की लॉन्चिंग करी गंगा आरती में उनको सिनेमा का लॉन्चिंग करना पड़ा, नहीं तो पहले तो चादर लेके कुकुरमुत्तों की जगह पे पहुंच जाते थे सब, हरी चादर लेके कुकुरमुत्तों की जगह पहुंच जाते थे जहां कोई अस्तित्व नहीं, हमारे ये मंदिरों को तोड़ के हर क्या बताऊं। मैं कुछ बोलना चाहता हूं, इन लोगों ने विधर्मियों ने अपना तमाम तरीके का वो खड़ा कर लिया और अपना नाम दे दिया है। कुल मिला के ये है कि आमिर खान की सिनेमा जो लाल सिंह चड्ढा आ रही है उसका बायकॉट करना है, ये हिंदू आर्मी का आह्वान है।